नाम वाहे गुरु जी। आज की कहानी हमें यह दर्शा रही है कि हमें अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने हैं। वह संस्कार ही उनके अच्छे और बुरे कर्म बनाते हैं। तो आइए कहानी शुरू करती हूँ। पिता और पुत्र साथ साथ टहलने निकले। वे दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो पास के किसी खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के लग रहे हैं। पुत्र को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा, क्यों न आज की शाम को थोड़ी शरारत से यादगार बनाए, आखिर मस्ती ही तो आनंद का स्रोत है। पिता ने असमंजस से बेटे की ओर देखा। पुत्र बोला, हम ये जूते कहीं छुपाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाएं, जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा, उसकी तलब देखने लायक होंगी और इसका आनंद मैं जीवन भर याद रखूँगा। पिता पुत्र की बातों को सुन गंभीर हुए और बोले, बेटा, किसी गरीब और कमजोर के साथ, उसकी जरूरत की वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी न करना। जिन चीज़ों की तुम्हारी नज़रों में कोई कीमत नहीं, वो उस गरीब के लिए बेश कीमती है। तुम्हें ये शाम यादगार बनानी ही है तो आओ मेरे साथ। आज हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल देते हैं और छुपकर देखते हैं कि मजदूर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाला, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। फिर वह इधर उधर देखने लगा कि उसका मददगार शख्स कौन है। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर बहुत भाव विभोर हो गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ आसमान की तरफ देख फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, आज आप ही किसी रूप में यहाँ आए थे। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी ये मदद की उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेंगी। तुम बहुत दयालु हो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मजदूर की बातें सुन बेटे की आंखें भर आई। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मजे वाली बात से जो आनंद तुम्हारे जीवन भर याद रहता, उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और दिए हुए आशीर्वाद तुम्हें जीवन पर्यंत जो आनंद देंगे वो उससे कम है क्या? बेटे ने कहा, पिताजी, आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला है उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। अंदर में एक अजीब सा सुकून है। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मजा और मस्ती मजाक को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मैं समझ गया हूँ पिताजी कि लेने की अपेक्षा देना कहीं आनंददायी होता है। इस तरह एक पिता ने अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दिए। उम्मीद करती हूँ आप भी अपने बच्चों को यही संस्कार देने चाहेंगे और उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको भी पसंद आई होगी।
जिससे आप लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कि इस तरह की नई नई कहानियाँ आपको मिले। सतनाम वाहिगुरु जी।